everybody, welcome to Bhakti Craft Show. Everyone, welcome to my channel. आप सभी को पता है आज मैं आपके लिए 4 क्यूट एंड होममेड पेपर क्राफ्ट्स लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी वीडियो को 15 लाइक्स तक पहुँचा दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी वो भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ बाजू में जो बेल आइकन रहती है ना उससे भी क्लिक कर देना, और ये वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। 28.5 सेंटीमीटर और 14.7 सेंटीमीटर का पेपर है, वह इसे स्टिक कर लाए पूरा दोनों साइड से। सो ये देखिए, ये मैंने पूरा स्टिक कर लिया है। सो अब हमें इसे बराबर टू एंड्स तक के फोल्ड कर लेना है, और स्टार्टिंग का थोड़ा सा पेपर फोल्ड करना है दोनों साइड से, और फिर इसे ये पेपर के एक के ऊपर एक रखकर स्टिक करना है। और हाँ, स्टिक करने से पहले ना हम यहाँ पे एक अच्छे से स्माइली फेस ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटे से क्यूट स्माइली फेस ड्रॉ कर लिया, अब हम स्टिक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल पेपर है, इसे हमें मैंने यहाँ से नीचे से थोड़ा फोल्ड किया हुआ यहाँ पे लगा देना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा कैलेंडर रेडी है, अब दूसरा बनाते हैं। पेपर चिप बनाने के लिए ये 14 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर की मैंने पूरी स्ट्रिप्स काट ली है, तो अब हम इसे ये लाइन के बराबर काट लास्ट कट कर रहा है। फ्रेंड्स, ये पूरे 17 पेपर्स इसको मिला के मैंने इसे एंड टू एंड ये देखिए पूरे स्टिक कर रहा है। ये सारे पेपर्स को भी ऐसे स्टिक कर देना है। ये देखिए, ये 3 मैंने स्टिक कर लिया, बाकी के अब स्टिक करती है। सो फ्रेंड्स मैंने ये पेपर चिप पूरी कम्प्लीट कर ली है। अब हमें इस पेपर चिल का अपर पार्ट बनाना है, वो हम बनाते हैं। सो ये देखिए, ये है हमारी पूरी पेपर चिल। फ्रेंड्स, ये वाला जो पेपर है ये भी वाला सेम साइज का लिया, इसे भी हमें दो साइड से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ये वाले स्टिक कर लिया है, जैसे हमने ये पेपर चिल को स्टिक किया था ना दूसरे पे, वैसे इसे इस पे स्टिक कर ला है। ये देखिए रेडी है पेपर चिल।